हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल में लॉन्ग प्रेस फोर सिंबल सेटिंग क्या है और इसे ऑन करने से क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पर और कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन लाने के लिए आप अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लीजिए। जैसे मैं सेटिंग ओपन कर लिया और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर करिए और नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद आप यहाँ एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपका करंट कीबोर्ड बताएगा कि कौन सा आपका करंट कीबोर्ड सेट है। जैसे मेरे मोबाइल में भी करंट कीबोर्ड जो सेट है वो जीबोर्ड वाला है, तो आपको अपने करंट कीबोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे में दिखाएगा अवेलेबल कीबोर्ड में आपका करंट कीबोर्ड, तो मेरा करंट कीबोर्ड जीबोर्ड सेट है तो यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको करंट कीबोर्ड पर क्लिक करना है। तो मेरा करंट कीबोर्ड जीबोर्ड है तो मैं यहाँ जीबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ प्रेफरेंस पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर करिए और नीचे करिए और नीचे करिए और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाता है लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल्स। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं और ये सेटिंग ऑन करने से होगा क्या, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है लॉन्ग प्रेस की टू एक्सेस हिंटेड सिम्बॉल। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं कट करके होम स्क्रीन पे आया और मैं यहाँ पर कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं कीबोर्ड ओपन कर लिया और देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड में जो भी हिंटेड में दिखा रहा है तो वो ऑप्शन को आप लॉन्ग प्रेस करके आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ए हम एक बार क्लिक किए तो ये लिखा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ए से जो ए में यहाँ पर सिम्बॉल दिखाई दे रहा है उसको हम दबाना या उसको यहाँ पर लाना तो वो आ जाएगा। कैसे, आप अपने इस ऑप्शन पर अपने उंगली को थोड़ा देर दबा के रखिए तो वो हिंटेड सिंबल यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे मैं ए को दबा के रखूँगा थोड़ा देर तो यहाँ पर ऐट द रेट टाइप हो जाएगा। जैसे मैं ए को थोड़ा देर दबा के रखा छोड़ा तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंटेड सिंबल ए में जो था वो टाइप हो गया एट द रेट। उसी तरह अगर जो हम यस को थोड़ा देर दबा के रखेंगे तो यस में जो हिंटेड सिंबल यहाँ पर हैश दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे यस को मैं थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो देख सकता है हिंटेड सिंबल जो था वो टाइप हो चुका है। तो इस सेटिंग को ऑन करने से यही होता है।